द्वारा लाए गए सर्वविश्वास प्रस्ताव में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, सर्वविश्वास का मतलब शक संदेह और सरकार पर विश्वास ना हो। विश्वास आज किसको है? आज युवा दद्दर की ठोकरें खा रहा है क्योंकि उसको यह विश्वास नहीं रहा कि रोजगार उसके हाथ में सरकार लाकर दे सके। आज किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं है कि उसकी फसलों के उसको दाम मिले। आज मजदूर रात को अपने घर पे सोता है क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं है कि कल शायद उसके घर का खर्चा कौन पूरा करे। आज माँ बाप को ये विश्वास नहीं है कि कल शायद प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस फीस इतनी बढ़ा दे कि उनके बच्चे उन स्कूलों में दाखिला देने योग्य ना रहे। अध्यक्ष महोदया, आज जिस द्वारा जिस तरीके से 2014 के अंदर एक विश्वास देश के अंदर बना था कि शायद अच्छे दिन आएंगे, आज चार साल के अंदर ये चीज जरूर जनता पूछने लगी कि अच्छे दिन तो बहुत दूर की बात, सच्चे दिन कब आए। अध्यक्ष महोदय, एक चीज जरूर कहूंगा सरकार के लिए, रहने दो आसमान जमीन तलाश न कर, तलाश कर सब कुछ यहीं कहीं और ना तलाश कर। हर आरजू पूरी हो तो जीने में क्या मजा, जीने के लिए बस खूबसूरत वजह तलाश कर। आज जरूर इस अविश्वास प्रस्ताव को सरकार बचाने का काम करेगी, मगर अगले साल जब आम चुनाव आएंगे तो क्या जनता का विश्वास ये सरकार बचाने का काम कर पाएगी। अध्यक्ष महोदया, आज जब युवा बस में ट्रेन में धक्के खाता है और शहर की ओर आता है कि शायद रोजगार मिले, तो वो जरूर याद करता है कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा इस सरकार ने किया। आज जब युवा ठेकेदार के माध्यम से नौकरी करता है तो वो विश्वास करता था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि ठेकेदारी प्रथा खत्म कर देंगे, मगर उसको रात को ये विश्वास नहीं होता कि कल क्या मेरा रोजगार सुरक्षित है। यस, कंक्लूड। आज किसान ये विश्वास नहीं कर सकता कि जो लोग स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लिए पूरे देश भर में धक्के खाते थे, वो जब आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात आती है, एमएसपी पूरी देर पर फैमिली लेबर को जोड़कर लाने की बात आती है, उस समय जब नतीजा आता है तो फैमिली लेबर को साइड छोड़ दिया जाता है। पीके कुणाल कट्टी, हो गया आपका समय। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट भी नहीं हुए। नहीं नहीं, हो गए। आपने 5 मिनट की बात कही थी। 5 मिनट नहीं, 2-2 मिनट सबको दे रही हूं। कंक्लूड तो कर लो। हाँ, कर लो प्लीज। जब आप विश्वास की बात दिलाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी का विश्वास था कि इस देश की नदियों को नहरों को जोड़ा जाएगा। 1.5 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि सतलुज यमुना लिंक को जोड़ा जाए। आप पे विश्वास कैसे किया जाए कि 1.5 साल के अंदर भी आपकी प्रदेश में देश में सरकार होने के बावजूद भी आपको उस किसान के खेत में पानी पहुंचाने के लिए आज अपने आप को सक्षम ना बना पाए। इस सदन के अंदर बोलते हुए दुख होता है कि आज चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी के, जयप्रकाश नारायण जी के शरीके के लोग आज इस देश में नहीं रहे, जिनने अपनी बात को पूरा करने के लिए अपना पूरा राजनीतिक जीवन निछावर करने का काम किया। आज अगर सरकार विश्वास दिलाना चाहती है तो जरूर इस देश की जनता को ये याद दिलाने का काम करे कि जो घोषणा पत्र में करी गई बातें थी उसको